तो सभी बच्चे पहाड़ों का अभ्यास शुरू करेंगे। तो दो का पहाड़ा सुनाओ। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दो छक्के बारह, दो सत्ते चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो नौ अठारह, दो दस बीस। वेरी गुड। नू तो मुझे पता ही कि तुम दसवीं तक आते आते तो दो का पहाड़ा सीख ही लोगे। चलो अब शुरू करते तीन का पहाड़ा। बारहवीं तक तो याद ही हो जाएगा तुम्हें, है ना? अरे तीन का पहाड़ा तुम्हारे बाल लगे सीखेंगे। मैडम जी नितिन मिर्दुल आगे, नितिन मिर्दुल भाई सारे पहाड़े तेरे भाई दो का सिर में स्वागत कर रही हूँ मैडम जी हमारा। आरती आरती मंगा लेती फिर ना। दो दो जलवा लीजिए मैं। बेसन के लड्डू अच्छे लगे हैं वो। आरती तो थारी आंसू उतार दूंगी मैं। खाने को गोबर पात रखो है, खा लो जाके, बैठे चला क्लास में। मैडम जी गोबर खाएंगे हम, गांव के प्रधान हैं हम। अच्छा तो प्रधान जी एक काम करो, लेन लगा लो तुम साइड में पहले। तो माला वाला तो मंगा लो हमको। लेन लगा रहे हो ना? हाँ तो मैडम जी कहते सीधी है ना लेन। लेन तो सही है तारी, पर नू बताओ ये बोतल कैसे टांग रखी है इतनी? ए मैडम जी जैसी जैसी ठंड बढ़े है ना हमें वैसी ज्यादा प्यास लगे। वो तो ठीक है लेकिन तेने दो दो बोतल कैसे टांग रखी है? मैडम जी वो इन दोनों से ज्यादा प्यास लगे, जिसमें से एक बोतल मेरी एक मेरी सेटिंग की। कल सु ड्रम लेके आया करूंगा पानी को। ये बोतल से एक एक की टाट फोड़ दूंगा यहीं। अच्छा जी कभी मैं ना फोड़ दूं थारी टाट। और हां तू नु बता मम्मी के चप्पल कैसे पहन के आया इसको? मैडम जी मेरे जूता फट गए, मैंने मम्मी से 5 रुपए मांगे सिवाने को, दिए ना हमारे में ये पहने आया। वो तो ठीक है लेकिन ये लौंडियन की क्यों पहरे आया? लौंडा के पहरे आता? मैडम जी आज के जमाने में भी तुम कहां जी रही हो? आजकल लौंडा लौंडियन में फर्क ही कहां रहेगा? टिकटॉक ना चलाती दिखे मैडम जी। ये चप्पल भी ठीक है लेकिन यू लौंडियन को बैग लेके कहां जाएगा तू? ए मैडम जी यू बैग तो मैं अपनी सेटी को लाया हूं, आज वगैरह जन्मदिन है। अरे मैं कहां मर जाऊं भाई। तुम एक काम करो मो, तुम आज एक चीज प्योरीफाई करके बता दो कि तुम यहाँ पढ़ने आओ या सेटिंग करने आओ। मैडम जी पढ़ाई की क्या थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। वो तो ठीक है, बैग दिखा तू अपना, सब बैग दिखाओ अपने अपने, मैं भी तो देखूं क्या क्या गिफ्ट आ धरे हैं इनमें। ओरे भाई ये तो बम लिए डोल ले रे। अरे मेरा फेस वॉश चुरा के धर रखा होगा अपने दो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पे बम बनाने की फैक्ट्री लिए डोल रहे हो, कैसे आतंकवादी हो रहे हो? और नितिन सुनो बता तू ये सूट कैसे लिए कहाँ डाल रहा है? तू स्कूल आया या मनाली में छुट्टी मनाने जा रहा है? मैडम जी बड़ा बैग मैं यहाँ मार लाया हूँ, इन सबसे ज्यादा पढ़ू ना मैं, पहली से लेकर दसवीं तक की सारी किताब है, पता ना कौन सा कोर्स पूछने लगा तुम हमसे। ए चुप करो, कैसे इनकी तरह गवार बनना चाह रहे हो तुम भी? और तू नू बता तू ये स्कूल में आया चना बेकने आया? ए मैडम जी चना ना मटर है। अरे जो भी है मटर बेका से बैठो क्लास में, एक घंटा तो बस इनकी बकवास में स्वागत में ही निकल। मृदुल यार ये काजल इंग्लिश में मैसेज भेज आ रही है, मेरे समझ में आ रहा है पता ना क्या लिख रही है। तुझे यू डिक्शनरी के बारे में ना पता क्या? ना भाई। ला फोन दिखा। देख यू है यू डिक्शनरी ऐप, या खोल सेटिंग में जाके मैजिक फीचर को इनेबल कर दे। अब जो मैसेज तेरी काजल ने भेजा है ना वह सर्च करके मैजिक ट्रांसलेशन को ड्रैग करके वहाँ के ऊपर ला के छोड़ दे, यू अपने आप ट्रांसलेट कर देगा। ये देख हो गया। और अगर तुझे इंग्लिश में रिप्लाई करना है तो यहाँ पे आके हिंदी में टाइप कर ले, ये अपने आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। है ना बढ़िया मैजिक फीचर, दिक्कत क्यों ले रहा? यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर और मजा ले। ये तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है भाई, आज जाते क्लास में डाउनलोड करूंगा यार। चल रहे क्लास में। तो आज तुम्हें तीन का पहाड़ा याद करना है सब है ठीक है? दो का पहाड़ा तो तुम्हें भी याद ही होएगा। हाँ मैडम जी याद है, कोई दिक्कत ना, बड़ा बड़ा आगे बढ़ाओ। नितिन ना दिख रहा, नितिन कहाँ है? अरे मैडम जी यही हूँ मैं, और पहाड़ने की दिक्कत मत लियो, वो पता 90 तक आवे। अच्छा तो एक काम करो तुम ही दोनों खड़े हो जाओ, तू दो का सुना और तू 90 का सुना। नितिन दो का पहाड़ा बता, दो का पहाड़ा जल्दी। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीया पच्चीस। गलत बता रहा हूँ भाई? मैं गलत ना बता रहा हूँ, 90 का पहाड़ा याद आ गया। अच्छा तो 34 तो 90 के पहाड़े में भी ना आता। मैडम जी तो हमारे यहाँ आई ना, हमारे यहाँ 90 के में 34 भी आवे। रे गधो बैठ जाओ, मेरा खून मत पियो। तो 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बालकन की कॉपी चेक की जाएगी, और जिसका भी काम पूरा ना मिला ना वाकई खा ले उधेड़ दूंगी। कर लो तैयारी। नितिन भाई हम पे तो कॉपी ना हो यार। मैंने तो कभी कॉपी ना बनाई आज तक। काहे की चुरो लेवे कॉपी?
अरे मार पड़ेगी ना तो आज। एक तो तू और तुम दोनों, कहाँ है तुम्हारी कॉपी? बाहर निकल के आओ। आज तो आ जाएगा, लठिया फिरेगी आज तक। कैसा है, मेरे सर पे चढ़ के कॉपी जचवाएगा? ए मैडम जी, कॉपी तो हम लाए ना, आज तक बनाई ना हमने तो। अच्छा, इन दोनों की तो मुझे पता है, लेकिन तू नू बता, तू कॉपी क्यों ना लाया? मैडम जी, हमारी कॉपी पापा ने डल ली। अरे पापा कहा कर रहे हैं कॉपी का, बालक ही पढ़ ले पहले। अब मैडम जी तुम्हें कहा बताए, पूरे घर में एक ही कॉपी है, और भाई कहाँ पे हम ABCD पाड़े लिखत, और पीछे का मेरे पापा दूध को हिसाब लिखत, और आज पापा दूध को हिसाब करवाए खतो ई के भाई आज कॉपी पापन ले ली, पापन जाके या तुम बिना कॉपी के चले जाओ। और मेरी मम्मी मुझे ही कान लगी कि तुम ऐसे ही चले जाओ, पढ़ लिखत हो तुम, वैसे हो ना ही हो, तो आज हम बिना ही कॉपी बजट चले आए। चलो बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझ रही हूँ, कल ले आइयो कॉपी, ठीक है? बैठ जा जाके। तुम दोनों हाथ आगे करो। मैडम जी तो बेईमान है। हाथ आगे करो। हाँ तो रजनी बेटा इधर आओ। A² + B² + 2AB बराबर क्या होता है, लिख के बताओ। देखो सब। अरे वेरी गुड मेरे बच्चे, जाके बैठ जा। तो A + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² + B² + 2AB, ठीक है? नितिन तुम आओ और इस सवाल को सिद्ध करो। नितिन तू तो गया, जाओ जाके सिद्ध कर गया, और ऐसा सिद्ध करियो कभी गलती ना हो वजह। चल मार। ऐसा सिद्ध किया है भाई, ये तो मुझ पे भी ना आता, करा है तो सही कर दिया होगा। अरे वाह बेटा वाह, बात सही, जाओ बैठो जाके, ट्यूशन लगा लो तुम सब यहाँ पे, देखियो कितना बढ़िया सिद्ध करा है उन्होंने। हाँ तो मृदुल अगली बारी तुम्हारी है, आगे आ जाओ। मैडम जी मैं ना आ रहा, मोह पे ना लिखा जाएगा, बहुत तेज डंडा मार दिया तुमने। अच्छा तो तू नुई बता दे कि हमारे देश की राजधानी कहाँ है। टूडूडू यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 384575 सूरजपुर से चलकर तिलपता से होकर दादरी को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। इससे पता चलता है हमारे देश की राजधानी एक ट्रेन है। एक काम कर, वही ट्रेन पकड़ के ना तू अपने घर पहुंच, तू बहुत पढ़ लिख लिया, उठा अपना झोला। पता ना कहाँ कहाँ से आ जावे बेवकूफ से, राजधानी ना पता दी के इन्हें। प्रशांत तुम खड़े हो जाओ अब, और अब ये बताओ, माना तुम्हारी जेब में 20 रुपए हैं। ए मैडम जी ऐसे कैसे मान ले, जेब में 1 रुपया भी ना। अरे मैं ये कह रही हूँ कि मान लो तुम्हारी जेब में 20 रुपए हैं। अरे मैडम जी कैसे मान ले जब है ही ना तो। अरे मेरा मतलब इमेजिन कर लो कि तेरी जेब में रुपए हैं। तो ठीक है मैडम जी, तुम भी मान लो कि मेरी 3 साल की फीस जमा, फिर मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। जुआ लड़ा रहा है मुझसे, जुआ लड़ाएगा तू? ओहो मैडम जी तुम हम पे अपनी सारी बात मनवा लो, हमने एक बात मानने कह दी तो जुआ लड़ा रहा। इतने डंडे मारूंगी ना सारी बात मान जाएगा एक बार में, बैठ लीजिए। सोनू तुम ये सीट के नीचे क्या कर रहे हो? मैडम जी मेरी मम्मी ने दूध में बॉर्नविटा मिला के दियो, यहाँ पी रहा हूँ जी, ताकत आए जी मेरे अंदर यहाँ पीने से, ज्यादा पढ़ूंगा फिर। लेकिन तुम छुपके क्यों पी रहे हो? मैडम जी ये पी जाएंगे और बच्चे। तेरा दूध पियेंगे हम, हमारी मम्मी ने और लक्ष्य मिला के दियो हमें। नितिन गाड़ी करो तो सवेरे सु अपनी सेटिंग को एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, माने पैसा ले रहा है 20 रुपया,
वो तो मांग ले, फिर समोसा खाएंगे दोनों भाई पैसा मिलते ही। क्या ये, क्या है ये, पढ़ के सुनाओ, खड़े हो। मैडम जी ये तो प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। मेरी प्रिय रजनी, तूने मेरे से 31 दिसंबर 2019 में 20 रुपया लिए हैं। आज 1 जनवरी 2020 होगा एक साल पूरा। जो अगर तूने मेरा रुपया वापस ना करे तो तेरा कोनी कोनी बाजेगी और तेरी मम्मी को यू भी बता दूंगा कि तू बीड़ी पिया है। और मैडम जी आगे नू लिखा है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत हो जाना, आपका आज्ञाकारी आशिक, लव यू बहुत सारा, और बेटा कृपया करके जल्द से जल्द पैसे लौटा देना। नीचे बैठो, क्या हो रहा है ये, स्कूल है क्या, है मजाक बना रखा है, आशिकी करने आते हो, पढ़ने आते हो। आज तो छुट्टी होगी, तुम सबके सबको कल बताऊंगी। और मुर्दुल नितिन, तुम अपने मम्मी पापा को कल स्कूल में लेके आओगे, निकलो यहाँ से, चलो भागो।